नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद महाज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट की सफाई के बारे में कि कैसे आप अपने पेट में जमी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और अपने पेट को बिल्कुल चकाचक कर सकते हैं। यदि शौच के दौरान आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है तो समझ लीजिए आपको कब्ज की बीमारी है और तरल पदार्थों की कमी आपके शरीर में हो रही है। यदि कब्ज हो जाए तो कोई भी खुद को फ्रेश फील नहीं कर पाता है। एक बात ध्यान अवश्य रखिए दोस्तों कि कब्ज होने पर उसको कभी भी अनदेखा ना करें, नहीं तो इसके परिणाम काफी घातक भी हो सकते हैं। ये किसी भी जटिल बीमारी का रूप ले लेता है। कब्ज के होते ही पेट में अनेकों व्याधियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए कब्ज वाले रोगी को पेट दर्द की शिकायत रहती है, सुबह शौच करने में परेशानी आती है तथा मल का शरीर से पूरी तरह ना निकलना जैसी परेशानियों से सामना करना पड़ता है। वैसे तो कब्ज के लिए बहुत उपाय हैं, पर कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए मात्र आयुर्वेदिक उपाय ही कारगर साबित हुए हैं, इसलिए हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है कि जिसका भी पित्त ठीक है यानी पेट साफ है तो उसको पित्त से संबंधित 46 रोग उसे कभी जीवन में नहीं होंगे, इसलिए हमें पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि पेट को साफ रखने के लिए हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों कब्ज का प्रमुख कारण है शरीर में पानी और दूसरे प्रकार के तरल पदार्थों की कमी हो जाना। इन्हीं तरल पदार्थों की कमी के चलते आंतों में मल सूख जाता है और सुबह शौच क्रिया के दौरान बल प्रयोग करना पड़ता है। इसके चलते कब्ज रोगी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दलिया, खिचड़ी जैसे और तरल पदार्थों को लेने की कब्ज रोगियों को अक्सर सलाह दी जाती है। इसके अलावा कब्ज के रोगी को गुनगुना पानी पीने की सलाह भी दी जाती है। गुनगुना पानी अगर आप रोज सुबह पीते हैं तो आपको इसके जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये आपका पेट तो साफ करेगा ही, साथ ही अन्य बीमारियों जैसे हाई बीपी की समस्या, यूरिक एसिड की समस्या, शुगर समस्या, किडनी की सफाई आदि बीमारियों को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों कब्ज होने पर या पेट में कुछ गड़बड़ होने पर भूलकर भी भारी भोजन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में आप कुछ भी ना खाएं तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो हल्का भोजन ही करें, जिसमें आप खिचड़ी, दलिया, सूप ले सकते हैं और फलों में आप पपीता का सेवन जरूर करें। जब भी आपको कब्ज जैसी समस्या हो जाए तो आप पपीता का भरपेट सेवन कीजिए, यह आपके पेट को बहुत जल्दी साफ करेगा और पेट में आराम देगा। दोस्तों आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां भी हैं जिसके सेवन से आप अपना पेट और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं बहुत ही जल्द खत्म कर सकते हैं, और वो औषधियां कुछ तो आपको घर पर मिल जाएगी और कुछ आपको बाजार से लेनी होगी। पेट की सफाई और समस्त रोगों को दूर करने के लिए पहला उपाय है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों ये उपाय बहुत ही अद्भुत है, ये हमारे शरीर में समस्त रोगों, वात पित्त कफ में आने वाले सारे रोगों का नाश करता है। दोस्तों इस चूर्ण का उल्लेख 3000 साल पहले लिखे गए आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में मिलता है, जिसे महर्षि बागवत जी ने लिखा था। उन्होंने इस चूर्ण के बारे में लिखा है कि ये चूर्ण शरीर में होने वाले समस्त रोगों का नाश करता है और जो इस चूर्ण का लगातार सेवन करता है उसको जीवन में कभी भी कोई भी रोग नहीं हो सकता है। तो आज हम आपको इस चूर्ण के बारे में बता रहे हैं कि उसको कैसे बनाना है और उसका सेवन कैसे करना है। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको छोटी हरड 100 ग्राम, भेड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम ये आपको बाजार से पंसारी की दुकान से लेकर आना है और सही देख कर लाना है, क्योंकि आजकल मार्केट में नकली औषधियां भी मिलती हैं, तो आप उनसे सावधान रहें, अन्यथा लाने के बाद आप कहेंगे कि ये तो काम ही नहीं कर रही है, इसलिए सही और ऑथेंटिक जगह से ही ये सामग्रियां लें। दोस्तों इनको लाने के बाद आप इन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए और पहले इनको हमाम दस्ते में कूट लीजिए और फिर मिक्सी की सहायता से इनका पाउडर बना लीजिए और अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिए। दोस्तों मिक्स करके इसे कांच के बर्तन में डालकर रख लीजिए। दोस्तों अगर आप चाहे तो इस चूर्ण को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हर शाम को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप इसका सेवन करिए। सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है ये थोड़ा जान लेते हैं। 1.5 चम्मच इस चूर्ण की और आधी ग्लास गुनगुने पानी के साथ लेना है। आप चाहे तो पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं और या फाकी मारकर ऊपर से पानी की सहायता से भी ले सकते हैं। दोस्तों पानी की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो उसमें थोड़ा गुड़ का प्रयोग कीजिए और या फीका ही लीजिए, शक्कर नहीं मिलानी है, इस बात का ध्यान रखें और इसका सेवन कीजिए। घर के सभी सदस्य जिनकी उम्र 15 से ऊपर है वो सब इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा और कब्ज तो कोसों दूर रहेगा। आप हमेशा अपने काम के प्रति एक्टिव रहेंगे और आलस्य खत्म हो जाएगा, शरीर में नई जान डाल देगा। दोस्तों महर्षि बागवत जी ने इसके और भी अद्भुत प्रयोग बताए हैं जो अभी हम आपको नहीं बता सकते, उसके लिए हमें दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और भी जानकारी आपको दें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पेट साफ करने के लिए दूसरा उपाय, गुड़ और गिलोय। दोस्तों गुड़ के साथ गिलोय का बारीक चूर्ण बराबर मात्रा में रात को सोते समय लीजिए। जैसे 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण तो उतनी ही मात्रा में गुड़ आपको लेना है।
और इन दोनों को या तो आपस में मिक्स कर लीजिए या पहले फांत लीजिए और ऊपर से गुड़ खा लीजिए। दोस्तों ये आपके कब्ज को एकदम ठीक करेगा। ये प्रयोग आप करेंगे और सुबह जब आप गुनगुना पानी पीकर बाथरूम जाएंगे तो आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। पेट की सफाई और कब्ज को दूर करने का तीसरा उपाय। दोस्तों ये उपाय बहुत ही अद्भुत है। इस उपाय में आपको 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम त्रिफिला और 10 ग्राम अजवाइन, इन सबको मिलाकर कूट दीजिए और एक बारीक चूर्ण बना लीजिए। हर रोज हल्के गर्म पानी के साथ 3-5 ग्राम चूर्ण का सेवन कीजिए। इस चूर्ण के सेवन से आपकी पुरानी से भी पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाएगी और आपको गैस जैसी समस्या भी नहीं होगी। इससे भूख भी खुलकर लगती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल 3 महीने से ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा ही जरूरी है तो आप 10-15 दिनों का गैप देकर वापस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर बताई गई औषधियों का सेवन कीजिए और शरीर की समस्त बीमारियों का खात्मा कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी सबको मिलनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके मन में जो भी सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं और या कोई ऐसा विषय जिस पर वीडियो बनाने के लिए आप हमें प्रेरित करना चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको देर सवेर जरूर देंगे। धन्यवाद।